हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे तुमको याद था? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं। इतनी जबरदस्त पैकिंग की है, जरूर कुछ कीमती लाए हो। थैंक यू। मैं समझ गई तुम मेरे लिए क्या लाए हो। अच्छा, एक इंग्लिश फिल्म में हीरो ने हीरोइन को ऐसी ही गिफ्ट दी थी, पता है? एक सोने की रिंग। बेवकूफ होगा, इतना महंगा गिफ्ट कौन देता है। इसमें उससे भी कुछ खास है, देखो। ओ, हीरे की है क्या? हीरो, कनीज की इच्छा बहुत बढ़ रही है। ये क्या स्पीकर लाए हो? उससे भी खास चीज है। कबाड़ियों की तरह चेक क्यों कर रही है? वाओ, फोन। पता है मैं लेने ही वाली थी। खोलो ना। हलवा लेके आयो मेरे लिए? अच्छे, वो तो यहाँ पर बासी बेचते हैं, उससे भी अच्छी चीज है। ए, आराम से आराम से। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट इडली और नारियल की चटनी। रुको, चश्मा लगा कर देखो तुम्हारा गिफ्ट कितना फ्रेश है। पता है, मेरे एक दोस्त ने कहा परफ्यूम ले जा, दूसरे ने कहा ड्रेस, तीसरे ने कहा नहीं नहीं मोबाइल ले जा। मैंने कहा उसे ठूसने का शौक है, उसे तो सिर्फ इडली पसंद आएगी। हाँ हाँ, मुझे तो कुछ खाने मिलता ही नहीं ना, भुक्कड़ हूँ मैं। अरे शुभ शुभ बोलो, वैसे भी ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना, और तुम्हें कभी भी भूख भी लग जाती है, तो सोचा बर्थडे के दिन तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज खिलाऊं। सही किया ना मैंने? ओके, फ्री का खाने को मिल जाए तो ये गधे को भी अपना बाप बना ले। तुम्हें पसंद आया ना? चेहरे से पता चल रहा है कितना टेस्टी है। चटनी एकदम बासी है, एक काम सही से नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे लिए कल ही तो पैक करवाई थी, पैकिंग में कितना टाइम गया। यूज़लेस, शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। सपना सर, ये वही है जो पेट्रोल चोरी करके बेचता है। तो ये वो, रुक अभी देखता हूँ। घुमा, इतने दिन हो गए इन्हें जाकर और बच्चे की कोई खबर नहीं। और तेज घुमा ले। हेलो, हाँ कैसी हो तुम? तुम्हें पता है इस वक्त हम कहाँ पे हैं? डार्लिंग, मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हमें यहाँ हनीमून के लिए आना चाहिए था। यहाँ बीच पे बैठे बैठे बढ़िया सूखा भेल खा रहा हूँ। चल, हम लोग ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं। मैं ना इतने सालों की नौकरी ये सोच रहा हूँ कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होंगी ना, तो उन्हें यहीं पर घुमाने लेकर आएंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा। यहाँ बैठे बैठे नजारा देख रहे हैं और तुम लोगों से बातें कर रहे हैं। ए, सर का फोन आ रहा है, अबे मत उठा। हाँ, 300 रुपए। हाँ, और पॉपकॉर्न के 250 रुपए। अभी रखता हूँ, अम्मी तुम्हारे भालबाशी। ठीक है, बॉस का फोन आ रहा है। हेलो सर, कहाँ हो तुम लोग? बच्चे को बीच पर ढूंढ रहे हैं सर। लोकेश कहाँ है? वो नॉर्थ में है, मैं साउथ में हूँ सर। काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं? और क्या करेंगे सर, चील की आंखों से ढूंढ रहे हैं उसे। चील की आंखों से? सर, एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ, क्या है बोलो। थोड़ी देर पहले मिसेस का फोन आया, वो कह रही थी कि बच्चा बहुत मिस कर रहा है। एक दिन के लिए आने दीजिए सर, उनसे मिल के वापस आ जाएंगे, आपकी कसम। कोई जरूरत नहीं है, बच्चा मरीना बीच पर है। क्या क्या वो है? मरीना बीच पर है, न्यूज चैनल पे देखा, वो वहाँ चने बेच रहा है, जाओ पकड़ो उसे। ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट है आपसे सर। अब क्या है बोलो। एक पुलिस वाले से कह रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है सर। पहले मत बुझाओ, सीधे सीधे बोलो। जरा 5,000 हम दोनों के लिए 5,000 भेज देते तो हमें काम करने में आसानी होती। अच्छा, ये बात है, ठीक है भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। सर 24 घंटे में ढूंढ के उसे आपके सामने ले आएंगे। नहीं, मुझे काम चाहिए। ओके सर। पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? पहले के दिए पैसे खत्म हो गए, लगता है मेरे पैसों से अय्याशी कर रही है दोनों। जब पैसे मिल जाएंगे ना, तो दारू खरीदेंगे, पार्टी करेंगे, फिर जाकर बच्चे को ढूंढेंगे। पहले गला गीला करते हैं, उसे बाद में ढूंढेंगे। साहब, आप उन्हें लड़के को जानता है? कौन से लड़के को? ये लड़के को। कहाँ रहता है? ये तो बीच पे ही रहता है।
आई लाइक इट। सर ने हम लोगों को भेज के बहुत पुण्य का काम किया। अरे सर का फोन है। तूने फोन ऑन क्यों रखा बे? फंसाएगा। हाँ जी। कहाँ हो तुम लोग? सर हम लोग ना राउंड्स पे निकले हैं। राउंड्स? हाँ सर राउंड्स पे। मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइट हाउस पुलिस स्टेशन में एक बच्चे को पकड़ा है। वो बच्चा कैलाश को जानता है। जाओ जाकर देखो मामला क्या है। वो क्या है, अब इतनी रात हो गई है सर, मरीना बीच पर भी अंधेरा होगा, यहाँ पर लाइट ही नहीं है सर, सुबह होते ही चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, सुबह होते ही चले जाना। हाँ सर, हम दोनों 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है। लगता है पी की बात कर रहा था। शायद उन्हें पता लग गया हम पी रहे हैं। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, तू पैक बना, वो इतना स्मार्ट नहीं है। दादा को तो देखो। अरे वाह दादा, एकदम हीरो लग रहे हो आप। चलो इन कपड़ों में। आज तुम्हारा कॉम्पिटिशन है ना, मैंने सोचा तैयार होकर आऊं। आप जाके लाइट हाउस में रुकिए। चलिए। उसको कहाँ देखा? अपुन ने उसको वहाँ देखा था। अच्छा, अच्छा वहाँ देखा था। हाँ साहब। फिर तो बच्चा यही होना चाहिए। तो दोस्तों, क्रिकेट की मैच देखने में मजा आया ना, तो चलिए आज लुत्फ उठाते हैं रेसिंग की कंपटीशन का। कल्लू आज तू जीतेगा या मैं जीतूंगा? देखना, मैं ही जीतूंगा। अंजलि और दादा कंपटीशन का मजा लेने के लिए लाइट हाउस पर जा रहे हैं। रेडी और जिंदगी की रेस शुरू। ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे यूसेन बोल्ट के चेले हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन कलाबाजी दिखाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अंबिका और बाकी बच्चों की रफ्तार थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन कैलाश और कल्पेश एक दूसरे को टक्कर की टशन दे रहे हैं। ये बच्चे भले ही दिखने में माचिस की तीली हो, लेकिन इनमें आग बहुत है। चीते को भी दौड़ में हरा दे, ऐसा इनका जुनून है। और इसी के साथ कैलाश ने यह रेस जीत ली। मरीना बीच पे आज रेत भी हवा से बातें कर रही है। इन बच्चों का जिंदगी को देखने का नजरिया देखकर फिर से बच्चा बनने का मन कर रहा है। दिल तो अभी भी बच्चा है जी। चलो अब फटाफट जीतने वाले को उसका इनाम देते हैं। अभी कैलाश को इनाम कौन देगा? अरे हम लोग ही दे देते हैं। हे, मैं दूं? जा जा, बढ़िया ही। घोड़े वाले को बोलते देने के लिए। अरे वीआईपी आ गए, इन फिरंगियों को ही बोलते ना इनाम देने के लिए। हाँ ये सही रहेगा। हाँ तो चलो बुलाते हैं उसको। अंग्रेजी में बात कौन करेगा? हम में से तो किसी को नहीं आती ना। अंग्रेज देखकर मेरी जबान अपने आप चल रही है। हाँ उनसे तू ही बात कर। कितनी सुंदर दिखती है। अरे मुंह बंद करो। Hello, वो क्या सोचेगी अपने बारे में? मैडम बात आई टॉक यू सी तुम यू प्राइस दो इनको। तेरी भारी इंग्लिश सुन के भाग जाएगी। Do you understand what they say? ये मुझे दे दो। एक फोटो खींचो। हाँ फोटो तो बहुत चलेगा चलेगा। अरे अरे हट, ये देखो मेरा पोज, मैं जीत गया। इधर मेरा शक्ल दिखने देना। थैंक यू मैडम। थैंक यू। देखा ना अच्छा इंग्लिश बोला, तभी तो वही नाम देने। मुझे बहुत मजा आया आज। मेरी इंग्लिश सुन के वो चौंक गई। हाँ वो तो है, क्या भारी इंग्लिश बोलता है रे। अंजलि अगली बार रेस होगी ना तो मैं ही जीतूंगा। अंजलि यहाँ आओ। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। भाग भाग के थक गया रे, मैं आज कोई शंख बेचने नहीं जाऊंगा। मुझे भी ऐसे जूते चाहिए। जा रे पका मत। कैसे जलता है? जूते चाहिए क्या? दे रहा है क्या? बिना चले गंदे हो गए। हाँ। वही है क्या? देख सामने। हाँ यही है। अच्छे लग रहे हैं ना, चल के देखो क्या। आराम से चलना। ए ध्यान से चलना, कहीं जूते फट ना जाए। अरे तुम लोग इतना क्यों बुरा बोल रहे हो? बेटा तुम्हारा नाम कैलाश है ना? हाँ मैं ही हूँ। अरे हम तुमसे मिलने आए हैं। आप कौन? चलो। अरे तेरी भाग रहे हैं। ए जाने मत इनको। ए बचाओ मुझे। ए पकड़ो। ए
पकड़ के ले जाएगी। अरे भागता कहाँ है? पकड़ पकड़ पकड़। जा, रुक, 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 रुक। क्यों मारे उसको? छोड़ उसको छोड़। यार क्या कर रहा है? चल, पकड़े उसको। चल, चल, चल। अरे पीछे हटो, समझा? लोग में से किसी को पता है ये मुजरिम है? इसके पीछे मत आना वरना जेल में डाल देंगे। हम लोग पुलिस वाले हैं, अगर कोई बीच में आए तो उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। अंकल छोड़ दो ना उसको। अंकल मत लेके जाओ उसको। सॉरी अम्मिका, माफ कर देना यार। ए, तुझे मेरे जैसा दोस्त ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अम्बिका, अपने को कोई अलग नहीं कर सकता। हेलो सर, हमने बच्चे को पकड़ लिया है। अच्छा पकड़ लिया, उसे संभाल के लाना। जी सर। ध्यान रखना कहीं भागे नहीं। ठीक है सर। हाँ। क्या रे, एसपी तेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, ऐसा कौन सा कांड कर दिया तूने? हैं? ए, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? सोचा बेचारी औरत है, पति मर गया है, इसलिए 50,000 उधार दिया, लेकिन वो तो एक नंबर की चालू निकली। मेरे ही फैक्ट्री के एक आदमी के साथ भाग गई। अब वो पैसा मैं तुझसे वसूल करूंगा जब तक मेरा हिसाब चुकता नहीं हो जाता। चल जा वहां जाके काम कर, चल बराबर काम करना। सुन, बाजू में वो बिल्डिंग टूटी है ना, वहां से जाके सलिया लेके आ। हाँ ठीक है। चाहिए तो दो चार आदमी और लेके जा। हाँ, लेकिन सब लेके आ। हाँ ठीक है साहब। मेरी माँ ने मेरी परवाह नहीं की और किसी के साथ भाग गई, इसलिए मैंने भी उसका कर्जा नहीं चुकाया और वहां से भाग गया। शाबाश शाबाश बॉलिंग यार। चलो चलो, हम लोग ही जीतेंगे। चलो ए पार्थ, बॉल पकड़ना। सॉरी यार, गलती हो गई। एक और बाग, 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 बाग। ये पार्थ, बॉल फेंकना। मेरी तो कैसी लगी? मेरे से होशियारी। ये निकलो, मार रहे हैं, कब से भागो।